जिसकी अध्यक्षता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने किया और कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी मौजूद थे और लोकसभा और राज्यसभा के अलग अलग सांसद भी वहां मौजूद थे। जो मानसून सत्र आ रहा है जो 20 तारीख को शुरू होगा 11 अगस्त तक चलेगा, हालांकि सत्र सिर्फ 17 दिन का होगा, उस संदर्भ में यह बैठक हुआ। और हमेशा जब कभी पार्लियामेंट की सेशन आती है तब उसके पहले पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी ग्रुप की बैठक होती है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है, पर इस बार हमने कुछ 20 दिन पहले ही ये बैठक की क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं जो देश के सामने हैं, उस पर हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए और पार्लियामेंट में हम इसको किस तरीके से उठाएं, उस पर चर्चा काफ़ी लंबी चर्चा हुई। पहला मुद्दा मणिपुर का था और हाल में ही आप जानते हैं राहुल गांधी जी वहां 2 दिन के लिए गए थे, भारत जोड़ो यात्रा का संदेशा ही लेकर गए थे, सद्भावना भाईचारा अमन शांति का संदेशा ले गए थे, तो उस पर काफी चर्चा हुआ। और कांग्रेस पार्टी की ओर से हम ये मांग करते हैं और करते रहेंगे कि मणिपुर के मुख्यमंत्री का इस्तीफा जल्द से जल्द ले लेना चाहिए। कल जो ड्रामा घटा इम्फाल में वो दर्शाता है कि बीजेपी के हाई कमांड, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री स्थिति के काबू में नहीं है। गृहमंत्री भी मणिपुर गए हैं पर उसका कोई सकारात्मक असर नहीं देखने को मिला है। प्रधानमंत्री तो पिछले 60 दिन से चुप हैं और हम बार बार मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़ें, और आज हम दोबारा ये मांग करते हैं और इस पर काफी बातचीत हुई कि प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और फौरन मणिपुर के मुख्यमंत्री जिनके मौजूदगी में स्थिति के बदलने की कोई संभावना नहीं है उनका इस्तीफा ले लेना चाहिए। हमारे जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स के सदस्य हैं उन्होंने ये मांग की है कि स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम में मणिपुर की चर्चा हो, पर दुर्भाग्यपूर्ण है, यह दुर्भाग्य की बात है कि ये मांग सरकार ने नहीं स्वीकारा है। तो हम मांग करते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी में भी चर्चा हो, पर जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा तो मणिपुर की स्थिति पर हम जरूर डिबेट मांगेंगे। दूसरी बात जो राहुल गांधी जी को लेकर डिस्क्वालिफिकेशन का मामला है उस पर काफ़ी कुछ चर्चा हुआ और हालांकि ये अभी न्यायालयों में है तो हम इंतज़ार कर रहे हैं, पर हम फिर से ये कहना चाहते हैं और आज कई सांसदों ने याद दिलाया कि उनका डिस्क्वालिफिकेशन उनके भाषण के बाद हुआ, उनके 7 फरवरी 2023 के भाषण के बाद हुआ। इस भाषण में उन्होंने सीधा मोदी सरकार और प्रधानमंत्री को निशाना बनाया अडानी के मामले में। तीसरी बात जो उठी वो रेल दुर्घटना के बारे में, तो उड़ीसा में जिसमें करीब 300 लोग मारे गए हैं, अभी जांच चल रहा है, वो रिपोर्ट लंबित है, पर ये हमने तभी मांग की थी कि रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और रेल सुरक्षा को लेकर जो खिलवाड़ हो रहा है
रेल सेफ्टी को लेकर जो आज प्राथमिकता नहीं दिखाई दे रही है, ये हम चाहते हैं कि इसको प्रधानमंत्री इसको ठीक करें, रेल सेफ्टी को उतना ही प्राथमिकता दें जितना कि वो वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन को दे रहे हैं। इसके बाद कई सदस्यों ने, खास तौर से कांग्रेस अध्यक्ष ने, बेरोजगारी, बढ़ती हुई बेरोजगारी प्राइस राइज, जो टमाटर प्याज को लेकर, दाल को लेकर, सभी जो आवश्यक वस्तु हैं उनके मूल्यों में जो बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, उस पर काफ़ी लंबी बातचीत हुई। ये मुद्दा ज़रूर हम उठाएंगे। जेपीसी का मुद्दा तो है ही है कि अडानी के शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपया किसका है और कैसे आया, इस पर हमने पिछले सत्र में भी रोज मांग की थी और ये मांग अभी भी हम करते रहेंगे अगले सत्र में। कांग्रेस अध्यक्ष ने खास तौर से संघीय ढांचा पर जो आक्रमण हो रहा है, राज्यपालों की जो भूमिका है दिखाई दे रही है अलग अलग राज्यों में, उन्होंने ये मुद्दा उठाया और ये भी एक ऐसा मुद्दा है जो कांग्रेस पार्टी मानसून सत्र में ज़रूर अलग अलग तरीके से विपक्ष की पार्टियों के साथ उठाती रहेगी। ने देखा है पहलवानों का जो मुद्दा था अब तो न्यायालय में गया है, पर जिस तरीके से खास तौर से महिला पहलवानों के साथ व्यवहार किया गया दिल्ली पुलिस द्वारा, बहुत अपमानजनक है। ये हमारे समाज पर एक कलंक है, न केवल पहलवानों पर कलंक है बल्कि सारे समाज पर कलंक है। और ये भी ये मुद्दा है जो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते और जो मानसून के सदन में कांग्रेस पार्टी ज़रूर उठाएगी। तो 15 जून को हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो लॉ कमीशन ने एक नोटिस जारी की थी 14 जून को, कि उन्होंने जनता से और विभिन्न संस्थाओं से अपने विचार मांगे थे। 15 तारीख को हमने एक स्टेटमेंट जारी किया था, एक वक्तव्य जारी किया गया था और इस पर चर्चा हुई। और 15 जून से आज तक कोई ऐसी नई स्थिति नहीं पैदा हुई है कि हम इस स्टेटमेंट को और आगे ले चले, यानी कि जो हमने 15 जून को कहा था वो उसी पर हम अडिग हैं। और जो लॉ कमीशन ने विचार अलग अलग संस्थाओं से अपनी राय मांगी है, उस पर जो हमने टिप्पणी की थी वो आपको है, आपके पास है। मैंने खुद हिंदी में और अंग्रेजी में एक बयान दिया था। और आज 1 जुलाई है, पिछले 16 दिनों में ऐसी कोई नई बात नहीं उठी है, कोई मसौदा नहीं है, कोई विधेयक नहीं है, सिर्फ बयानबाजी चल रहा है। अगर मसौदा है, अगर विधेयक है तो हम कुछ कह सकते और कुछ कह सकते हैं, पर आज की हालात स्थिति ऐसी है कि जो 15 तारीख जून को मैंने कहा था पार्टी की ओर से, वो आज भी हम दोहरा रहे हैं। तो ऐसी बैठक होती रहेंगे अगले 15-20 दिनों में, अलग अलग पार्टियों के साथ भी बैठक होगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने पटना मीटिंग में क्या हुआ सभी सांसदों को अवगत कराया और अगली मीटिंग बेंगलोर में होगी, क्योंकि शिमला में बहुत तेज बारिश हो रही है। डेट अभी तय होने के बाकी है, पर दूसरा विपक्ष का जो मीटिंग है
कांग्रेस अध्यक्ष ने हमें अवगत कराया कि वो बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। तो ऐसे मीटिंगें होती रहेंगी। हम कांग्रेस पार्टी होने के नाते और विपक्ष की ओर से भी हम कहना चाहते हैं कि हम सदन को चलाना चाहते हैं, सत्र में हम मुद्दा उठाना चाहते हैं, बहुत सारे आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे हैं, ऐसे मुद्दे हैं जिस पर प्रधानमंत्री ने अभी तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है, उस पर भी हम बहस चाहते हैं। तो 20 तारीख से हम उम्मीद करते हैं कि सरकार हमें पूरा मौका देगी, कांग्रेस पार्टी को, अलग अलग विपक्ष पार्टियों को अपने मुद्दे उठाने के लिए, और जो एजेंडा तय होगा, जो विधेयक पेश किया जाएगा, जब वो विधेयक पेश किए जाएंगे तब उस पर हम विचार कर सकते हैं। पर आज हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है कि कौन कौन से विधेयक आ रहे हैं, जब वो आएंगे तब पार्टी उस पर विचार जरूर करेगी। पर हम चाहते हैं ये सत्र चले, मजबूती से चले, रचनात्मक तरीके से चले, और हमें पूरा मौका मिले इन मुद्दों को उठाने के लिए। शुक्रिया। सर, अध्यक्ष शाहनवाज़ सिंह।